पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के माथे और नाक पर गुरुवार को चोट लग गई। घटना के समय मुख्यमंत्री अपने कालीघाट आवास पर थी। घायल होने पर ममता को इलाज के लिए एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने ममता के माथे और नाक के पास 3 टाके लगाए। ममता की चोट की जानकारी पार्टी ने सोशल मीडिया के जरिए दी। पार्टी की तरफ से की गई पोस्ट में ममता के माथे से मुंह तक खून की धार दिख रही थी। इलाज के बाद ममता घर लौट आई। पीएम मोदी ने सीएम ममता को चोट लगने की जानकारी के बाद उनके लिए प्रार्थना की है। पीएम मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए एक्स पर पोस्ट लिखी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। ममता बनर्जी के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल के निदेशक ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सीएम की ओर से गुरुवार शाम लगभग 7:30 बजे हमारे अस्पताल को सूचना दी गई कि वह पीछे से धक्का लगने के कारण अपने घर में गिर गई थी। उन्हें सिर में चोट आई थी। उनके माथे और नाक पर तेज चोट लगी थी जिससे काफी खून बह रहा था। उनके माथे पर एक कटने जैसी चोट लगी थी। उनके माथे पर 3 टाके आए हैं और 1 टाका नाक पर लगा है। इसके अलावा उनकी जरूरी ड्रेसिंग की गई है। उनके स्वास्थ्य जांच के मद्देनजर ECG, ECO, डोपलर टेस्ट किए गए हैं। सीएम को अस्पताल में भर्ती रहने की सलाह दी गई थी लेकिन उन्होंने मेडिकल टीम की निगरानी में घर में रहने की बात कही। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।